प्यार बहुत ही ताकतवर शब्द है, लेकिन इससे भी ताकतवर और घातक शब्द है नफरत, अभिमान, जिसके चलते इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक लव स्टोरी के बारे में, जिसमें एक आईएएस ऑफिसर के बेटे को बहरहमी से जलाकर मार दिया गया अपनी प्रेस्टीज, अपने अहंकार के चलते एक मिनिस्टर के बेटे के द्वारा। नीतीश कटारा, उम्र 25 साल, जिसके पिता एक आईएएस ऑफिसर थे, माँ भी एक एम्प्लॉय थी और घर के बाकी सारे सदस्य भी ए ग्रेड सर्विसेज में थे, बट उनका रुझान बिजनेस में होने के कारण उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ गाजियाबाद में एमबीए की पढ़ाई को करना डिसाइड किया। यहीं पर उनकी मुलाकात होती है उनके प्यार भारती यादव से, जो कि एक दिग्गज मिनिस्टर धर्मपाल उर्फ डीपी यादव की बेटी है। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। उसने इस बात का जिक्र अपनी माँ नीलम कटारा के साथ किया, लेकिन नीलम ये जानती थी कि नीतीश जिस परिवार की बात कर रहे हैं वो परिवार उनके लायक नहीं है, वो बहुत ही बड़े लोग हैं। इस बात को उन्होंने नीतीश से भी कहा, लेकिन नीतीश ने कहा कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उनका परिवार चाहे कैसा भी हो लेकिन वो ऐसी नहीं है। जिसके बाद उनकी माँ ने कहा, अगर तुम चाहते हो तो हम भारती के घर वालों से जरूर बात करेंगे। भारती के रिश्ते के बारे में अब डीपी यादव के परिवार को भी पता चल चुका था और भारती के भाई नीतीश को ढूंढ रहे थे। 16 फरवरी 2002 डीपी यादव के करीबी रिश्तेदार के घर में शादी थी, जिसमें नीतीश भी इनवाइटेड था। दूसरी ओर डीपी यादव के परिवार से थे उनकी पत्नी, उनकी बेटी भारती, उनका बेटा विकास और उनका भतीजा विशा। इस पार्टी में नीतीश और विकास की पहली बार मुलाकात होती है, जिसके बाद विकास बहुत ही आगबबूला हो जाता है। वो अपने भाई विशाल और दोस्त सुदेव के साथ पार्टी से चला जाता है। पार्टी से बाहर जाने के बाद वो तीनों लोग जमकर शराब पीते हैं। शराब के नशे में धुत होकर वो पार्टी में वापस लौटते हैं और नीतीश को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर शहर से दूर ले जाते हैं। नीतीश के गाड़ी में बैठते ही वो नीतीश को मारना शुरू कर देते हैं। वो नीतीश को कार में बिठाकर गाजियाबाद से 80 किलोमीटर दूर बुलंदशहर में ले गए। बुलंदशहर के हाईवे के एक पुल के नीचे उनको ले जाया गया और पहले हथौड़े से उनको बहरहमी से मारा और फिर पेट्रोल छिड़क कर उनको जिंदा जला दिया। नीतीश के देर रात तक घर पर ना लौटने की वजह से उनकी माँ बहुत ही टेंशन में आ गई, जिसके बाद उन्होंने भारती को फोन लगाया। जैसे ही भारती को फोन लगाया उन्हें पता चलता है कि नीतीश पार्टी से कब के निकल चुके हैं, जिसके बाद उनकी टेंशन और भी बढ़ चुकी थी। अगले दिन उन्होंने डीपी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद एक आईएएस ऑफिसर के बेटे के गुम होने की एफआईआर होते ही सारी पुलिस फोर्स उनको ढूंढने में लग चुकी थी। 20 फरवरी एक व्यक्ति के द्वारा पता चलता है कि पुल के नीचे एक लावारिस लाश मिली है। इसके बाद नीतीश के परिवार को वहां पर बुलाया जाता है नीतीश की पहचान के लिए। लाश की हालत ये हो चुकी थी कि लाश को देखते ही नीतीश की माँ वहीं पर बेहोश हो गई। होश में आते ही उन्होंने लाश के हाथों में एक अंगूठी देखी जो कि नीतीश की थी और उन्होंने कहा कि यही उनका बेटा नीतीश। इसका कहना था कि इस बात से हम ये नहीं मान सकते कि ये नीतीश की लाश है। इसके लिए उन्होंने उनकी माँ का और नीतीश का दोनों का डीएनए मैच करवाया, जिससे पता चला कि ये लाश नीतीश की ही है। केस कोर्ट में सालों साल चलता रहा और फाइनली 6 साल बाद यानी कि 30 मई 2008 को विकास, विशाल और सुखदेव को उम्र कैद की सजा हुई और नीतीश को इंसाफ मिला।